नमस्कार, मैं हूं प्रियांक सौरभ और आप देख रहे हैं बिहारी.न्यूज़। दोस्तों, आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं भारतीय जन मोर्चा एनजीओ की प्रोजेक्ट डायरेक्टर शैली विनोद, जो वंचित क्षेत्रों में वंचित वर्ग के बच्चों के लिए तीन मंत्र स्वास्थ्य, स्वच्छता और शिक्षा के क्षेत्र में काम करती हैं। आज हम करते हैं उनसे कुछ खास बातचीत। आइए तो मिलते हैं शैली विनोद से। नमस्कार शैली जी, आपका स्वागत है बिहारी.न्यूज़ में। आज सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे, आपकी जो संस्था है भारतीय जन मोर्चा, वो क्या है और वो किस उद्देश्य से काम करते हैं? भारतीय जन मोर्चा एक स्वयंसेवी संस्था है, वंचित वर्ग के बच्चों के साथ काम करते हैं। ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और चैरिटेबल ट्रस्ट है। तो हम जो भी वंचित क्षेत्र हैं पटना में, वहाँ कई जगहों पे काम करते हैं। बेसिकली हम बच्चों की शिक्षा पे काम करते हैं, एजुकेशन पे, और फिर सैनिटेशन को भी देखते हैं, बच्चों के और उनके माता पिता उनके हेल्थ को भी देखते हैं, क्योंकि शिक्षा से इंटीग्रेटेड है ये सारी चीज़ें। हेल्थ हुआ, हाइजीन हुआ, सैनिटेशन हुआ, और लोगों के लीगल इंटाइटलमेंट्स हुए, तो हम उनको भी एड्रेस करते हैं इन चीज़ों को। आपकी जो एनजीओ है BJM, इसको शुरू करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? अगर दरअसल मैं कहूँ तो ये संस्था शुरू नहीं किया है, लेकिन रिवाइव किया है, अगर सही शब्द में कहूँ तो। ये एनजीओ पहले से ही थी, पर इतनी फंक्शनल नहीं थी। पहले मैं और अन्य एनजीओज में काम करती थी, पर वैल्यूज़ जो बोलते हैं मूल्य मैच नहीं किया, तो मैं उन एनजीओज़ को छोड़ करके फिर वॉलेंटरीली ही काम करने लगी खुद से, बस्तियों में जा करके। तो फिर वहाँ किसी न्यूज़पेपर में मेरी कोई कवरेज हुई थी, और मेरे एक डिस्टेंट रिलेटिव हैं मेरे दादाजी, उन्होंने देखा था, तो उन्होंने एक जो कोई घर का गेट टुगेदर था, तो उन्होंने बोला कि आप जो ऐसे काम कर रही हैं वॉलेंटरीली, तो मेरा ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप क्या उसको रिवाइव कर दे सकती हैं और काम कर सकती हैं? तो फिर मैं उस समय ना नहीं कर पाई, मैंने सोचा चलो। यानी यह संस्था पहले से चल रही थी और आपने इसको रिवाइव किया। आप जो इस संस्था के माध्यम से सुदूर क्षेत्रों में, सुदूर ना कहें तो यूँ कहें कि वंचित क्षेत्रों में, वंचित क्षेत्र के बच्चों के स्वास्थ्य के लिए काम करती हैं, उनके मुख्य रूप से उनके शिक्षा के लिए काम करती हैं, तो इस उद्देश्य में आपने कोई एक लक्ष्य निर्धारण किया होगा कि हाँ हमको ये प्राप्त कर लेना है? अभी तक आपने अपने लक्ष्य में कहाँ तक हासिल किया है अपने उद्देश्य को? जिन बस्तियों में हम काम कर रहे हैं, वहाँ पर मेनली हम एजुकेशन पर ही काम कर रहे हैं, और स्कूल को और शिक्षा को केंद्र में रख कर के ही जो बाकी सैनिटेशन का काम हुआ या हेल्थ से जुड़े हुए मुद्दे हुए, उस पर हम काम कर रहे हैं। मतलब शिक्षा को और स्कूल को केंद्र में रख कर के, क्योंकि सारा मामला कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, शिक्षा से ही जुड़ा हुआ है। कहाँ तक हम सफल हुए हैं, ये हम काफ़ी हद तक सफल हुए हैं, और काफ़ी कुछ किया जाना बाकी है। और इसमें जो चेंजेस हैं वो भी बहुत स्लो होते हैं, तो एकदम से तुरंत से दिखाई नहीं पड़ते हैं। कमिंग टू दिस पॉइंट कि हम लोग कहाँ तक सफल हुए हैं, हम जिन भी बस्तियों में काम कर रहे हैं वहाँ के 100% बच्चे, लगभग सारे बच्चों को हमने स्कूल पहुँचाया है, और स्कूल पहुँचाया ही नहीं है, उनको स्कूल के लिए तैयार करके पहुँचाया है, और फिर एडमिशन करा के उनका सरकारी स्कूलों में या पास के स्कूलों में उनका डेवलपमेंट भी हम ट्रैक करते रहे हैं। और बहुत सारे आंगनबाड़ीज़ और जो स्कूल्स हैं उनको हमने फंक्शनल किया है, और जितने भी स्टेक होल्डर्स हुए, जैसे माता पिता हुए, टीचर्स हुए, बच्चे हुए, सबको उनका कर्तव्य और अधिकार दोनों याद दिलाया है हमने, तो इसमें हम सफल हुए हैं। मतलब इस तरीके से जो आपने बच्चों को स्कूल तक पहुंचा है, आपको ऐसा नहीं लगा कि जो वंचित क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो ऐसे भी स्कूल जाना पसंद नहीं करते हैं, या किसी कारणवश स्कूल तक नहीं पहुँच पाते, तो उनको स्कूल तक पहुँचाने में या पढ़ने के लिए आपने किस प्रकार प्रेरित किया? देखिए, ये ज़्यादातर लोग बोलते हैं और आम धारणा भी यही है,
तथाकथित पढ़े लोग पढ़े लिखे लोग भी यही समझते हैं कि बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते, पर दरअसल बात उल्टी है। बात यह है कि हम बच्चों के लायक नहीं हैं, स्कूल बच्चों के लायक नहीं है। तो हम और आप भी वहीं जाना चाहते हैं जहाँ पर आपको कोई बात समझ में आए, जहाँ आपका मन लगे। तो अगर हम बच्चों के लायक नहीं हैं, बच्चों को अमुक बात समझ में नहीं आती है, तो नेचुरली वो स्कूल में जाना पसंद नहीं करेंगे। वो खिचड़ी खा करके आ जाएंगे, चोखा लेकर के आ जाएंगे, बाइसिकल लेकर के आ जाएंगे। जहाँ तक हमारा सेंटर का सवाल है, तो हमें बच्चे हमारे सेंटर पे समय से पहले आ जाते हैं। कई बार कहना पड़ता है कि 8 बजे आना है, 7:30 में क्यों आ गए हो, 7 बजे क्यों आ गए हो। तो बच्चे नहीं जाना चाहते ये बात नहीं है, हमें बच्चों के लायक होना होगा। और दूसरी बात कि बच्चों को कन्विंस करना स्कूल आने का नहीं है, आप जो बच्चों को पढ़ाना है और विषय को रुचिकर बनाते हैं तो बच्चे आ जाएंगे, उनको मज़ा आएगा। तो आपने भी कहा कि जैसे कि हम उसके लायक नहीं है, तो क्या आपका निशाना सीधा सीधा सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों पे है कि क्या वो उस तरह की सुविधा नहीं मुहैया करा रही है, या सरकार उस तरह की सुविधा नहीं दे पा रही विद्यालय में छात्रों के लिए, जिसकी वजह से बच्चे नहीं पहुँच पा रहे हैं? नहीं, सिर्फ सरकारी शिक्षकों पे कोई निशाना नहीं साधना है। हम सब कहीं ना कहीं जिम्मेदार होते हैं, ऊपर के लोग। शिक्षक तो बहुत छोटी मछली होती है। जो प्राइवेट स्कूल के भी टीचर्स हैं, जो वो काम कर रहे हैं, उन हमारी ट्रेनिंग अगर हमारी हो भी जा रही है, तो हम उस ट्रेनिंग के पीछे के तर्क को नहीं समझ रहे हैं कि वो क्या है। कोई चीज़ रट लेना, पास कर लेना, तो वो हो जाता है, जैसे बच्चे भी रट करके पास हो जाते हैं। तो बात को नहीं समझ रहे हैं लोग। तो ये एक बहुत बड़ा ये है मुद्दा है कि हमारे समाज में कि बच्चों को समझने वाला कोई नहीं है। बच्चों का मनोविज्ञान क्या है, बाल मनोविज्ञान, कोई समझने वाला नहीं है। तो हम जो हैं बड़ों के नज़रिया से सारा कुछ देख रहे हैं। बच्चों के लिए, बच्चों के लायक होने के लिए हमें बहुत पढ़ना होगा, बच्चों के मन में जाना होगा। और ये प्रोफेशन बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे मैं भी काम करती हूँ, दुनिया का कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं है जो आपको रोज़ खेलने का, कूदने का, पकड़म पकड़ाई खेलने का, आप लुका छिपी खेलने का, झूला झूलने का, गाना गाने का, कोई भी ऐसा प्रोफेशन नहीं है जो आपको रोज़ मौका दे। लेकिन ये प्रोफेशन आपको रोज़ मौका दे। एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि जैसे आपने कहा, चलिए आप मान लेते हैं आपने इस संस्था को रिवाइव किया और आपको आपका ये कहीं ना कहीं पैशन रहा है इस काम को करने का, लेकिन आप जैसे आपने कहा कि शिक्षकों में वो क्वालिटी नहीं कि बाल मनोयोग को वो समझ सके, आप जो टीम भेजती होंगी विद्यालयों में पढ़ाने के लिए, आप इस बात को कैसे निर्धारित करती हैं कि जो व्यक्ति को आप भेज रहे हैं वो उस लायक हैं? आप इनको कैसे मतलब चयन करती हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि बच्चों को पढ़ाने के लिए इंटेलिजेंट कोशेंट से ज़्यादा ईक्यू की, मतलब इमोशनल कोशेंट की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम बच्चों से जुड़ाव महसूस करते हैं तो कोई ना कोई उपाय लगा ही लेते हैं उसको समझाने का, पढ़ाने का। तो मैं जो भी जिसको भी चूज़ करती हूँ, कि जिस टीचर को भी, उसका मैं ईक्यू ज़रूर देखती हूँ। पहले उसको काम करने देती हूँ बस्तियों में, और मैं वो देखती हूँ कि वो आदमी कितना गहरे से चीज़ों को समझ सकता है, कितना संवेदनशील है बच्चों के प्रति, लोगों के प्रति। नहीं तो इंटेलिजेंट होना बहुत बड़ी बात नहीं है। इंटेलिजेंट लोग कई बार ज़्यादा होशियारी से नुकसान कर देते हैं, ज़्यादा नुकसान। कहा जाता है कि हर इंटेलिजेंट व्यक्ति शिक्षक नहीं हो सकता, इंटेलिजेंट हो सकता है लेकिन शिक्षक होना ये जरूरी नहीं है। एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है आपके शिक्षकों को लेकर ही, वर्तमान हालात जो हैं, अगर मिडिल स्कूल में नियोजित शिक्षकों की बात करें तो नियोजित शिक्षक अभी समान काम के बदले समान वेतन की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर मतलब अभी सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है, लगातार इस पर फैसला आने का दिन बढ़ जाता है, चाहे जो भी हो। तो एक तरफ उसी विद्यालय में जहाँ पे आप अपना सेंटर चलाती हैं, उसी विद्यालय में शिक्षक समान काम के बदले समान वेतन की मांग करते हैं, वहीं आपकी टीम के जो मेंबर हैं वो एकदम कम वेतन पे, यानी कम समझे तो एक सहयोग राशि पे ही, एक सहयोग के रूप में ही काम करते हैं। तो आप उन्हें इस तरीके से उस माहौल में काम करने के लिए कैसे प्रेरित करते हैं?
जी, पहले मैंने आपको ये बताया कि मैं वैसे लोगों को ही चूज़ करती हूँ जो बिल्कुल सिर्फ पैसा कमाने के उद्देश्य से ही मेरे पास नहीं आया हो। अच्छा। एक तो मैं ये देखती हूँ, और दूसरी बात कि मैं उनसे बातचीत करती हूँ जो हालात हैं, कि क्या हालात हैं और लोगों की ज़रूरत है उनके हमारे जैसे लोगों की, जो सिर्फ पैसा से प्रेरित होकर काम ना करें। क्योंकि पढ़ाना लिखाना सिर्फ पैसे कमाने की चीज़ नहीं हो सकती है, इसको व्यवसाय के रूप में नहीं देखा जा सकता है। पैसा आवश्यकता है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ वही, उसी से आप मोटिवेटेड हों तो आप टीचर नहीं बन सकते हैं। मेरे जितने कलीग्स हैं, टीचर्स हैं, अमिता जी, उषा, मंजू, पूजा एंड अनामिका जी, तो ये सारे लोग जो हैं वो ये सारे लोगों, मतलब ज़्यादातर लोग एक बहुत वेल ऑफ फैमिली से नहीं हैं इनमें से ज़्यादातर, तो वो भी दिक्कत को, परेशानी को समझते हैं और उनका बच्चों से जुड़ाव भी है। तो मैंने जैसा कहा कि अगर बच्चों से जुड़ाव हो और आपका बस्ती में आपने क्लोज से परेशानी को देखा है तो आप काम कर सकते हैं। आपकी टीम में भी कितने मेंबर हैं, मतलब किस तरीके से आपके मित्र लोग भी हैं या परिवार के सदस्य हैं या और भी लोग हैं जो इसमें काम करते हैं? जी जी, परिवार के सदस्य में तो मेरे जो चेयरमैन हैं वो कमांडर SD सिन्हा, रिटायर्ड नेवल ऑफिसर हैं वो हैं, और बाकी तो कोई फैमिली मेंबर से मेरे नहीं हैं, क्योंकि दादाजी मेरे उनका फिनांशियल जो सपोर्ट है वो ज़्यादा रहता है, और बाकी लोग कोई मेरी फैमिली से नहीं है। सारे हम टोटल मिलाकर के 12 लोग हैं यहाँ पे जो बस्तियों में काम कर रहे हैं। जी, आपकी जो संस्था है BGM, हालांकि कहीं ना कहीं आप सरकार का सहयोग कर रही हैं अपने संस्था के माध्यम से, उनके जो शिक्षा का अभियान है उसको ले जाने में बहुत ही सपोर्ट कर रही हैं, तो इसमें क्या सरकार का किसी प्रकार का योगदान है? सरकार का किसी न किसी प्रकार से हम सहयोग कर रहे हैं, नहीं पूरा सहयोग कर रहे हैं, हमारा सहयोग नहीं, सरकार आपको किसी भी प्रकार से सहयोग कर रही है कि नहीं? सरकार फिनांशियल सपोर्ट तो हमें सरकार से नहीं मिला है, लेकिन हाँ मॉरल सपोर्ट मिला है सरकार से, या स्कूलों में काम करने के लिए हमें इजाज़त मिली है, सपोर्ट इस तरीके का रहा है, और एक एक प्रोजेक्ट भी हमने सरकार के साथ किया था। अगर कोई हमें सरकार से कोई इस तरीके का जो हमारे प्रोजेक्ट में फिट होता है, हमारे जो काम कर रहे हैं उसमें मिशन में कोई बातें फिट होती है, ऐसा प्रोजेक्ट मिलता है तो वी वुड लाइक टू डू। अच्छा, आप एक लड़की हैं और आप एक संस्था को चला रही हैं, तो समाज में इसको लेके तो तरह तरह के लोग कुछ कहते होंगे कि हाँ एक लड़की इतनी बड़ी संस्था चला रही है, आपको इसके लिए आना जाना होता होगा, और क्योंकि हमारा समाज अभी भी मतलब काफ़ी पिछला सोच रखता है, तो एक NGO जैसी संस्था को एक लड़की के लिए कितना मुश्किल माना जाता है, वो मतलब इसको हैंडल करना कितना मुश्किल है? हाँ, मेरे लिए बहुत आसान नहीं है, हालांकि मैं अपना काम एंजॉय करती हूँ, क्योंकि मेरा एक्सपोज़र बहुत होता है, मुझे बहुत जगह जाना होता है, इधर उधर मैं जाती रहती हूँ टू टेक सपोर्ट मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। मैं एक स्वीपर से लेकर के एक ऑफिसर तक से बात करती हूँ ऑन डे टू डे बेसिस पे, तो ये इतना आसान नहीं होता है, कई बार लोगों को कन्विंस करना, लोगों के ईगोज़ को मैनेज करना, या लोगों को NGO है तो आम धारणा ये भी बनी रहती है, जो कई बार कुछ हद तक सही भी है कि NGOs पैसा बनाते हैं, उल्लू सीधा करते हैं, तो उनकी बातें भी सुननी पड़ती है, मुश्किलात बहुत आती हैं। और बस्तियों में भी जैसे हम शुरुआत में गए तो लोग बोलते थे कि अच्छा एक और NGO आ गया पैसा कमाने के लिए, इस तरीके से, तो इस तरीके के कमेंट्स सुनते हैं हम, पर हम जानते हैं कि मतलब ये एक हिस्सा है, पार्ट एंड पार्सल है इस काम का, और एज अ गर्ल तो थोड़ी सी चैलेंजेस बढ़ ही जाती है, क्योंकि आप लोग आपको तुरंत से जज कर लेते हैं लड़कों की तुलना में,
कि कोई अगर कि भैया अभी आप घर बसाओ, फलाना करो, ढिमाका करो, अब दूसरों के बच्चों पे क्या ध्यान दे रहे हो, अपने बच्चे पर ध्यान दो, इस तरीके का। एनजीओ के लेके एक सवाल, जैसे कि हाल ही में एक घटना जो पूरे बिहार से पूरे देश को जो मतलब कह सकते हैं कि चर्चा का विषय बना हुआ है, बिहार में, बिहार की जो मुजफ्फरपुर में जो एनजीओ का मामला है, वो कहने के एक एनजीओ का मामला जो बालिका गृह का मामला है, जिसको लेके एनजीओ के प्रति लोगों में कहीं ना कहीं एक एनजीओ ने बिहार को कलंकित करने का काम किया है, तो इस रूप में इसके बाद क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आपके लिए बहुत ज़्यादा आने वाले समय मुश्किल पैदा होंगी इस तरह की घटनाओं से? नहीं, मेरे लिए, हमारे लिए मुश्किल नहीं, कहीं ना कहीं एक एनजीओ के प्रति लोगों की विश्वास तो घटेगी ज़रूर। एनजीओस के प्रति हाँ विश्वास घटती है ऐसी चीज़ों से, एक एनजीओस के कारण बाकी सबको एक ही तराजू पे तोला जाता है, तो ऐसा तो हर प्रोफेशन में होता है। लेकिन ये बहुत गलत भी नहीं है कि एनजीओस पैसा कमाने का और अपना उल्लू सीधा करने का जरिया बन गया है कि आप एनजीओ बनाओ और फिर अपना उल्लू सीधा करो, गरीबी को दूर करते करते फिर आप अपनी गरीबी दूर करने लग जाओ, आप खुद ही अमीर बन जाओ, तो ऐसा होता है। पर हम इन बातों से नहीं घबराते हैं, क्योंकि हमारे जैसे लोगों के लिए अच्छा भी है कई मामलों में। अगर बहुत लोग एनजीओस को शक की दृष्टि से देख रहे हैं तो अच्छी बात है, हमें भी देखें, और चूंकि हम ऐसे हैं नहीं तो हम वी आर कॉन्फिडेंट, हमें कॉन्फिडेंस। आने वाले समय में हम BJM से क्या मतलब उम्मीद कर सकते हैं? BJM से कि हम जिन भी बस्तियों में काम करते हैं उन लोगों के, ये नहीं कि वो हमारे ऊपर हमेशा डिपेंडेंट रहें। आप देखेंगे कि वो लोग बहुत, जिन वंचित बस्तियों में हम काम कर रहे हैं वहाँ के लोग इंडिपेंडेंट हैं, उनका डिग्निटी भी हम इंश्योर कर पाएंगे, कई हद तक हमने किया भी है कि लोग बिल्कुल, जैसे पहले जब हम शुरुआत में उन बस्तियों में काम कर रहे थे तो वो बस्ती के लोग बहुत ही भिखारी टाइप की मेंटालिटी के साथ कि मैडम हमको फलाना चीज़ नहीं दे दीजिएगा, सरकार से वो दिलवा दीजिए, लेकिन धीरे धीरे इसमें दम लगता है काम करने में, तो धीरे धीरे काम करते करते ऐसा हुआ कि लोग कई बार हमें ही सपोर्ट करते हैं कुछ कुछ चीज़ में, जैसे कार्ड बना के दिया मुझे स्टॉल एक बार लास्ट विंटर में, मुझे एक गिफ्ट किया था लोगों ने मिल करके, और लोग जब पटना म्यूनिसिपल कमिश्नर हमारे यहाँ आए तो सब लोगों ने मिल करके मैं उनके लिए ना सिर्फ कार्ड बनाए बल्कि अभी उनके बर्थडे पर, जो कि मैं दे नहीं पाई हूँ, बर्थडे पर लोगों ने पैसे मिला करके उनके लिए टाई खरीदा और शर्ट खरीदा, तो ये अपने आप में एक बड़ी चीज़ होती है कि लोग लेने के बदले ग्रैटिट्यूड भी एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि लोगों की डिग्निटी इंश्योर करना, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, डिग्निटी, गरिमा, आदमी की और बच्चों की भी गरिमा सुनिश्चित करना और इंडिपेंडेंस सुनिश्चित करना, ये दो चीज़। हमारे समाज में आज जो बेरोजगारी की जो कह सकते हैं दर काफ़ी बढ़ गई है, तो इसकी वजह से शिक्षक बहुत पैदा हो रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों में शिक्षक जा रहे हैं, तो वैसे शिक्षकों को मतलब कह सकते हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि जिनको कोई काम नहीं मिल रहा है, ये सच्चाई है, वो जी तो वो शिक्षक बन जाते हैं, और वो शिक्षक बन जाते हैं जिनको कोई काम नहीं मिला लास्ट में घूम फिर करके, तो कई बार वो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, तो जब आप फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे तो आप अपने काम के साथ जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं अपने काम के साथ। मेरा ये कहना है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जब हम पढ़ाने का काम अगर मुझे मिल गया है तो ये मेरा पसंदीदा काम ही हो, लेकिन जो काम मिले उसमें दिल लगा के करने से आप काम के साथ न्याय भी कर पाते हैं और आपको भी खुशी और एनर्जी मिलती है। अब ये मैं मेरे बारे में व्यक्तिगत रूप से, ये नहीं है कि पढ़ाना ही मेरा हॉबी था, ऐसा नहीं है, मेरे और भी बहुत सारे हॉबीज़ हैं, गाना गाना, डांस करना, लिखना मेरा मेन है, मैं कविताएं लिखती हूँ या घूमना फिरना, लेकिन जब मेरे हाथ में ये काम आया पढ़ाने का बच्चों को तो मैंने इसको दिल लगा के किया और न्याय करने की कोशिश करती हूँ। शैली जी, आपकी जो संस्था है BJM, इसको संचालन करने में समाज आपकी किस रूप में सहयोग करती है, या समाज हो या दोस्त हो? अगर सहयोग की बात करें तो अलग अलग तरीके का सहयोग मिलता रहा है।
किसी ने मटेरियल से सपोर्ट किया है, किसी ने फिनेंशियल सपोर्ट आर्थिक सहायता दी है, किसी ने मॉरल सपोर्ट दिया है, दोस्तों से भी सपोर्ट मिला है, किन्हीं फैमिली मेम्बर से भी सपोर्ट मिलता रहा है, और सरकारी अफसरों से वगैरह से भी सपोर्ट मिलता रहा है। मेरे एक दोस्तों में मेरे फ्रेंड हरीश थानवी से, जिन्होंने मुझे प्रेरित किया था काम करने के लिए स्लम में, उन्होंने एकेडमिक सपोर्ट, मटेरियल सपोर्ट और इकोनॉमिक सपोर्ट, हर तरीके का सपोर्ट दिया। वो शिक्षा समिति के योगेंद्र जी ने भी काफ़ी सपोर्ट किया मटेरियल से। दोस्तों में डीजी जियो सॉल्यूशंस के मिस्टर संदीप ने भी काफ़ी सहयोग किया मटेरियल से, फिनेंशियली भी, या हम लोगों का जो वेबसाइट है उसको मेंटेन करने में, तो और हमेशा सपोर्ट करते रहे। मेरे दोस्त नीरज विजय सर, मिस्टर नीरज विजय ने भी सपोर्ट किया। उसी तरीके से जो पटना म्यूनिसिपल कमिश्नर ने सपोर्ट किया, हमारे स्लम में आते रहे, मॉरल सपोर्ट काफ़ी दिया। इसके पहले जो डीएम थे पटना के मिस्टर संजय सिंह, उनका सपोर्ट रहा। मसूरी के जी जी, मसूरी के जो सिविल सर्विसेज इंस्टीट्यूट के जो पूर्व डायरेक्टर हैं, उनका भी काफ़ी सपोर्ट रहा। ये प्लान इंटरनेशनल के मिस्टर अब्दुल जब्बार, उनका काफ़ी सपोर्ट रहा है। तो ये सारे लोग सपोर्ट करते रहे हैं हमें, और घर में मेरी बहनें भी कई बार फिनेंशियल सपोर्ट कर देती हैं मुझे। तो दोस्तों का बाकी मॉरल सपोर्ट, फिनेंशियल सपोर्ट और मटेरियल सपोर्ट से हमारा, यानी कह सकते हैं कि आपकी टीम में इनडायरेक्ट रूप से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और आपको सपोर्ट कर रहे हैं। धन्यवाद शैली जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने एक महत्वपूर्ण समय देकर अपने उच्चतम विचार हमारे बीच साझा किया जी। बिहारी न्यूज़ का ही बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें यहाँ आने का मौका दिया। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे BJM NGO की प्रोजेक्ट डायरेक्टर शैली विनोद को। मैं प्रियांक सौरभ एक बार फिर से आपका धन्यवाद करता हूँ।